सबसे पहले शुरुआत करेंगे एंजिनॉल लिमिटेड के बारे में। अगर हम आज के दिन की बात करें तो आज के दिन भी बहुत ही धमाकेदार तेजी, लगभग 13% की तेजी। बाकी पिछले 5 दिनों की बात करें तो लगभग 25% की तेजी, बट इसमें से मैक्सिमम तेजी हमें पिछले 2 दिनों में देखने को मिला, कल के दिन और आज के दिन। यानी कि पिछले 2 दिनों में स्टॉक ने इस बॉटम लेवल से बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और बाकी पिछले 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में आज भी देखोगे तो लगभग 15% डाउन है। बट एक टाइम पे, मतलब 2 दिन के ये तेजी आने से पहले, 2 दिन के इस प्रकार के रैली आने से पहले, जब भी हम 6 मंथ की गिराव को सिलेक्ट करते थे तब ये गिरावट हमें लगभग 30% के ऊपर तक देखने को मिलता था। बट अभी इस 2 दिन के धमाकेदार रैली के बाद अब ये गिरावट हमें सिर्फ 15% तक देखने को मिले। इनकी बाकी इन स्टॉक ने पिछले 2 दिनों में इस बॉटम लेवल से बहुत ही जबरदस्त बाउंस बैक दिखाया। तो इतनी शानदार रैली के पीछे का रीजन क्या है, और खास करके जो आज के दिन फिर से स्टॉक में इस प्रकार के धमाकेदार रैली देखने को मिला, 14-15% की रैली, तो इस प्रकार के आज के दिन की इस रैली, इतने बड़े धमाकेदार रैली के पीछे का रीजन क्या है। सो खास करके आज के दिन की इस तेजी के पीछे का रीजन की बात करें तो एक ब्रोकरेज हाउस। सो आज के दिन एक ब्रोकरेज हाउस के साइड से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉजिटिव अपडेट निकल गया, और उनके मानना है कि स्टॉक ने पिछले 2 दिनों में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है, बट आने वाले टाइम ये तेजी हमें एक और भी कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले तो आप हेडलाइन को देख सकते हो कि आज के दिन स्टॉक में एक टाइम के लिए, मतलब एक टाइम पे ये तेजी हमें 15% तक देखने को मिला था, और पिछले 4 दिनों से लगातार हमें स्टॉक लगातार रैली हमें कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हेडलाइन की बात करें तो इन स्टॉक ने पिछले 4 दिनों में लगभग 25% तक की रैली दिखाई। और तो सबसे पहले हम हेडलाइन की बात करें तो इन स्टॉक ने पिछले 4 दिन से कंसिस्टेंसी एक बहुत ही अच्छे खासी रैली दिखा रहे हैं, और ऑलमोस्ट स्टॉक ने 25% तक की रैली दिखाई। बट फिर भी जो रामदेव अग्रवाल है उनके साइड से अभी भी हमें उनके मानना है कि स्टॉक में बहुत ही कमाल, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमें बुलिशनेस देखने को मिल रहा है। यानी कि ये जो तेजी स्टॉक में पिछले 2-3 दिन से बना हुआ है, ये तेजी आगे स्टॉक में और भी कंटिन्यू हो सकता है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, तो सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो शुरुआत करेंगे एक बेसिक पॉइंट से, जो कि स्टॉक का डाउनफॉल। स्टॉक ने पिछले 2-3 दिनों में बॉटम से 25% तक की रिकवरी जरूर दिखाई, बट आज भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से, जो लगभग 3900 के आसपास जो ऑल टाइम हाई बनाए थे जनवरी के आसपास इसी साल, तो अभी भी उस टॉप लेवल से स्टॉक आज भी 33% डाउन है। तो स्टॉक के तेजी के पीछे का रीजन की बात करें तो मेन रीजन तो दोस्तों स्टॉक के टेक्निकल। तो देख सकते हो तो उन्होंने भी एक चीज को मेंशन किया कि स्टॉक ने जो उनकी 50-day मूविंग एवरेज है उनको भी उसने मंडे के दिन ब्रेकआउट दे दिया। उसके बाद जो और एक रेसिस्टेंट लेवल थे, अगर हम बात करें 100-day मूविंग एवरेज, उसको भी इसने क्रॉस कर दिया, जो कि लगभग 2500, जो कि हाल ही में हमने इस पॉइंट को कल के दिन कवर किया, तो इस पॉइंट को भी आज के दिन इसने ब्रेकआउट दे दिया। अभी इसका जो और एक सपोर्ट है, रेजिस्टेंस लेवल है, वो दोस्तों 200-day मूविंग एवरेज, जो कि 2800 के लेवल, जो कि लगभग 2750, मतलब 2800 की ये लेवल। अगर इसने इस लेवल को ब्रेकआउट दे दिया, जैसे इन सारे लेवल को उसने धीमे धीमे करके मतलब ब्रेकआउट दिया, पहले 50-day मूविंग एवरेज जो कि 2200-2300 के जो लेवल थे उसको कल के दिन ब्रेकआउट दिया मंडे के दिन, और आज के दिन 2500 के इंपॉर्टेंट यानी कि 100-day के मूविंग एवरेज को आज के दिन ब्रेकआउट दिया, अभी रहेगा 2800 के लेवल, जो कि 200-day मूविंग एवरेज। अगर इसने इसको ब्रेकआउट दे दिया तो उसके बाद में स्टॉक में और भी जबरदस्त रैली आ सकता है। तो इसी के चलते उनके मानना है कि स्टॉक में एक बहुत ही कमाल के अट्रैक्टिव हमें कैंडल फिर एक मोमेंटम बनते हुए देखने को मिल रहा है, तो ये राइट टाइम है। चाहो तो अभी स्टॉक को इस टाइम पे भी चाहो तो बाय करके चल सकते हो, और जो बाइंग के रेंज होगा वो 2500 से लेके 2600 के आसपास। ये ट्रेडिंग के हिसाब से उनका मानना है कि स्टॉक जिस प्रकार के मोमेंटम बना हुआ है, क्योंकि ये टेक्निकल हिसाब से वो बात कर रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटल तो कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फिलहाल टेक्निकल हिसाब की बात करें तो उनके मानना है कि अगर आप चाहो तो इस करंट टाइम पे 2500-2600 के ऊपर बाय करके चल सकते हो, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2225 के, मतलब 2200 के आसपास, और जो टारगेट होगा शॉर्ट टाइम, मतलब 3200 तक ये स्टॉक जा सकता है, वो भी इसी मोमेंटम, वो भी शॉर्ट टाइम के अंदर। और बाकी और भी कुछ चीज़ें उन्होंने मेंशन किया कि जिस प्रकार के बाजार में हमें पार्टिसिपेंट देखने को मिले, खासकर जो लास्ट मंथ में जिस प्रकार के डीमैट अकाउंट का एडिशन हुआ है, मतलब एक ही मंथ में 4.5 मिलियन, लगभग 45 लोग बाजार में एंटर किया एक ही साथ, और बाजार में अगर इसी प्रकार का तेजी बना रहा तो आने वाले जो नेक्स्ट मंथ और जो 15-20 दिन बाद इन ब्रोकिंग कंपनी के जो मंथली बिजनेस अपडेट आएंगे, जो कि एंजिलॉन के भी आने वाले हैं, तो ये मंथली अपडेट भी इस बार भी हमें इन ब्रोकिंग कंपनी के अच्छे देखने को मिलेंगे, जिनके चलते स्टॉक में जो मोमेंटम अभी बना हुआ है, ये मोमेंटम आगे और भी कंटिन्यू हो सकता है। और इसी के चलते स्टॉक में आज के दिन ये तेजी हमें और भी कंटिन्यू देखने को मिले, ऑलमोस्ट 15% तक की रैली। तो क्या वाकई स्टॉक
अभी एक तरफा तेजी के साथ जिस लेवल से स्टॉक है, यानी कि खास करके ये वाले लेवल 3000 के ऊपर, क्या ये रैली एक तरफा 3000 के ऊपर जा सकता है? देखो डेफिनेटली जाने के लिए बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि देख सकते हो कि 2 दिन में स्टॉक ने सिर्फ 2 दिनों में 25% तक की रिकवरी दिखाई। कभी कहां बात कर रहे थे कि 2000 के लेवल, और आज ये स्टॉक हमें 2600 के ऊपर देखने को मिले, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के तेजी के साथ। तो अगर बाजार में ऐसे ही थोड़े बहुत पॉजिटिव माहौल बना रहा तो शायद से ये तेजी और भी कंटिन्यू हो सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि इसके जो ऑल टाइम हाई है उस ऑल टाइम हाई से आज भी स्टॉक बहुत ज्यादा डाउन है, और बोल सकते हो एक प्रकार के दिल्ली बहुत दूर है। यहाँ तक कोई अगर सोच रहा है कि एक तरफे में जाएगा तो बहुत डिफिकल्ट है, यहाँ तक पहुंचने के लिए स्टॉक को और भी काफी टाइम लगने वाला है। बट इतना जरूर है कि आज ही तो कल कुछ तक 6 महीने और लग जाए, साल भर और लग जाए, बट ये लेवल तक भी जाएगा, 4000 को भी ब्रेक, मतलब 4000 भी जाएगा, 5000 भी जाएगा, और 6000-7000, मतलब लॉन्ग टाइम आपको आगे अच्छे करते देखने को मिलेगा। बट फिलहाल के हिसाब से बात करें, शॉर्ट टाइम के हिसाब से, तो जो मोमेंटम स्टॉक में बना हुआ है टेक्निकल के हिसाब से बहुत ही कमाल के, जो कि इस पॉइंट को हमने कल के दिन ही कवर किया कि इसने 2250 के तो कल के दिन ब्रेकआउट दिया था मंडे के दिन, तो अभी नेक्स्ट जाएगा 2500 का, इसने 2500 को ब्रेकआउट दे दिया, तो डेफिनेटली आज तो 2500 को भी ब्रेकआउट दे दिया। तो फिलहाल ब्रेकआउट तो दिया, अभी इसको सस्टेन करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और सस्टेन करने के लिए बाजार में थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी रहना चाहिए। अगर बाजार में इसी प्रकार के पॉजिटिव मोमेंटम बना रहा तो स्टॉक नेक्स्ट बार बार ट्राई करेगा 1750 या फिर जो 2800 को लेवल है, 2750 से लेकर 2800 के इंपॉर्टेंट लेवल, अगर उसको उसने ब्रेकआउट दे दिया, उसके ऊपर सस्टेन करे तो नेक्स्ट 3000, और 3000 को ब्रेकआउट दे दिया तो जैसे उन्होंने कहा कि 3250, तो भाई अगर मतलब 3000 के ऊपर भी अगर वो ट्रेड कर ले, अपने आप को ब्रेकआउट देकर अगर उसके ऊपर सस्टेन करे तो उस तो 3000 को अगर ब्रेकआउट दे दे इसी एक तरफ रैली के साथ, उसके ऊपर अगर वो सस्टेन करे तो बहुत जल्दी आपको जिस लेवल से स्टॉक गिरा है दोबारा आपको ऑल टाइम, मतलब ये स्टॉक दोबारा आपको ऑल टाइम तक भी आपको जाते देखने को मिल जाएगा, वो भी शॉर्ट टाइम के अंदर। तो जिसके पास है अच्छी कंपनी, बहुत पहले ही बोल चुका हूं भाई, जिसके पास पे लॉस में निकलने वाली कंपनी ग्रुप बिल्कुल नहीं। देखो आज ये तो कल तो रिकवरी आने वाला था, तो अच्छी बात है बहुत ही हमें जल्दी रिकवरी देखने को मिले। तो किसी के पास है नहीं, तो जैसे मैंने अभी आपको ग्राफ देखा, आज भी 33% डाउन है टॉप लेवल से, तो बहुत अच्छे खासे डाउन है। तो किसी को अगर जाना है ब्रोकिंग स्टॉक में, क्योंकि ये ब्रोकिंग स्टॉक का लिस्टिंग हिसाब से एक लीडिंग कंपनी है, और अभी तक स्टॉक ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा है, और अप्स एंड डाउन बाजार के पार्ट है, और ऊपर से मिड कैप स्टॉक है, और इस प्रकार के वॉलेटिलिटी, इस प्रकार की गिरावट हमने इससे पहले भी काफी बार देखा और अभी भी हमें देखने को मिल रहा है। तो आज भी अच्छे खासे मौका है, तो अगर आप चाहो तो अभी भी इसके बारे में कंसिडर कर सकते हो, और आपको ये कंपनी अच्छी लगती है तो कंपनी तो अच्छी है, और लॉन्ग टाइम आगे आपको अच्छे करते देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो BSE लिमिटेड। सो BSE लिमिटेड की बात करें तो आज के दिन इन स्टॉक में भी 1 से लेकर 1.5% की तेजी, एक मंथ की बात करें तो इसमें भी 23% की रैली, साल भर में 200%, और बाकी 5-5 साल की बात करें तो 1500% की प्रॉफिट। हाँ, ये स्टॉक जरूर है कि एंजिलॉन जिस प्रकार के 2 दिन से कमबैक दिखा रहे हैं, इस स्टॉक में उस प्रकार की तेजी है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट दे चुका है, और एंजिलॉन कैसा टॉप लेवल से इस प्रकार के 50% डाउन थे, बट ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ 15 से लेकर 20% डाउन थे, मतलब ऑलरेडी देखा जाए स्टॉक लोगों को मल्टीबैगर प्रॉफिट बना के दिया, और उसके कंपेयर में स्टॉक हमें थोड़ा बहुत अच्छे, मतलब ऑलमोस्ट टॉप पे देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी देखा जाए ये BSE लिमिटेड स्टॉक में टॉप लेवल से 15 से लेकर आपको 16% तक डाउन, मतलब डाउन देखने को मिल जाएगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कंपनी की वैल्यूएशन, स्टॉक ने 5 साल में 1500-1600% की प्रॉफिट जरूर बना के दिया, ऊपर से ऑलमोस्ट अपने टॉप के आसपास ही है, लेकिन अभी भी जिसकी वैल्यूएशन है वो हमें थोड़े से चीप वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है, खास करके कंपनी के जो इस बार हमें Q1 के नंबर देखने को मिला, इस नंबर के चलते स्टॉक के वैल्यूएशन और भी ज्यादा सस्ते हो चुके हैं। इससे पहले अर्निंग्स देख सकते हो कि अर्निंग्स कहाँ पे थे एक क्वार्टर पहले, और इस बार के अर्निंग्स किस प्रकार का छोटा हुआ है, जिनके चलते एक बहुत बड़े गैप आ चुका है स्टॉक के पी रेशो में, और स्टॉक कंपनी के अर्निंग्स में एक बहुत बड़े गैप आ चुका है। तो स्टॉक में यहाँ से और भी अगर बहुत बड़े तेजी आता है तब भी उस तेजी को एक जस्टिफाइबल तेजी माना जाएगा। तो वैल्यूएशन वाइज बात करें तो स्टॉक तो एकदम ठीक लेवल पे है, बट अगर हम मोमेंटम वाइज बात करें तो 2750 के इंपॉर्टेंट लेवल है, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट लेवल है, जो कि इससे पहले देख सकते हो कि काफी टाइम से इसको ब्रेकआउट देने की कोशिश की, ब्रेकआउट दे नहीं पाया तो एक गिरावट आए, तो फिलहाल उसको ब्रेकआउट देने की कोशिश करें। काफी टाइम से आप देख सकते हो कि अगर इसको ब्रेकआउट दे दिया और सस्टेन किया तो बहुत जल्दी फिर से आपको जो 3250 है उस लेवल को ब्रेकआउट देके 3500 तक भी स्टॉक आपको जाते देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो CDSL लिमिटेड। अगर हम आज के दिन की बात करें तो इसमें कुछ खास तेजी नहीं है, एक फ्लैटिस्ट परफॉर्मेंस, 2.24% की तेजी, बट ऑलरेडी देखा जाए स्टॉक ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दे चुका है लॉन्ग टाइम के साथ साथ, शॉर्ट टाइम के साथ 5 दिन में देख सकते हो 12.5% की तेजी, महीने भर में 25%, 5-5 साल की बात करें तो इसमें भी 1400
1500% तक की प्रॉफिट, और ये भी स्टॉक एकदम हमें टॉप पे अपने ऑल टाइम हाई पे देखने को मिल रहा है। और स्टॉक ने जो खास करके पिछले 2-3 मंथ से जिस प्रकार के इस 2000 के लेवल से एक तरफा रैली दिखाई, मतलब 2000 से सीधा 3000 तक की रैली, तो ये जो रैली स्टॉक ने दिखाया, तो इतने रैली आने के बाद भी कुछ एक्सपर्ट के मानना है जिस प्रकार के स्टॉक में रैली आए वो एक जस्टिफाइबल रैली है, क्योंकि कंपनी ने इस बार बहुत बहुत ही अच्छे खासे नंबर कंपनी ने प्रेजेंट किया, जिनके चलते और इसी के चलते जो मोमेंटम और इसी के चलते जो तेजी हमें स्टॉक में देखने को मिलने लगाता है वो तेजी जस्टिफाइबल है। और ये तेजी और भी कंटिन्यू इसलिए आ रहा है क्योंकि हाल ही में 2 जुलाई को कंपनी ने 1:1 का बोनस के भी अनाउंसमेंट किया था, और उसके अप्रूवल होते हैं शेयर होल्डर के, वो अप्रूवल मिल चुका है, देख सकते हो बोर्ड ने अप्रूवल भी दे दिया था कि जो शेयर होल्डर है उनके साइड से भी अप्रूवल आ चुका है, और ऊपर से जो एक्सटेंड होता है वो एक्सटेंड भी सामने आ चुका है 23 अगस्त इसी हफ्ते, तो उससे पहले मतलब उसके चलते भी स्टॉक में और भी अच्छी खासा हमें बाइंग देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल जो मोमेंटम बना हुआ बहुत ही कमल के मोमेंटम है, अगर इसने 3000 को ब्रेकआउट दे दिया तो उसके बाद आपको 3000 के ऊपर 3250 से लेकर 3500 तक भी ये रैली देखने को मिल सकता है, बट किसी के पास है नहीं, तो फिलहाल ये स्टॉक टॉप है। फेज बाइंग के हिसाब से इग्नोर करोगे तो ये आपके लिए बहुत ही सेफेस्ट ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो डॉक्टर रेड्डी, अगर हम आज के दिन की बात करें तो 0.5% की तेजी, साल भर में 17%, 5 साल में लगभग 125%, यानी कि इस स्टॉक ने भी बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट दिया, और इसी तेजी के साथ साथ हाल ही में कंपनी के मैनेजमेंट ने 1:5 का स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट किया, तो जिसके पास है उनके लिए गुड न्यूज़, जिसके पास है नहीं तो बोनस और स्प्लिट के चलते किसी भी स्टॉक में जाने की जरूरत है नहीं, अच्छे कंपनी के साथ बने रहोगे तो इस प्रकार के बोनस स्प्लिट आपको उन अच्छे स्टॉक में भी फ्यूचर में देखने को मिल सकता है।